हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की अप्रोचेस, उपागम के बारे में डिस्कस करने वाले इस वीडियो में। अप्रोचेस के बारे में जानेंगे कि अप्रोचेस क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, हार्डवेयर अप्रोच, सॉफ्टवेयर अप्रोच और सिस्टमेटिक अप्रोच। हिंदी में बात करें तो कठोर शिक्षक कठोर उपागम, मृदुल शिल्प उपागम और प्रणाली उपागम। तो इन तीन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे विस्तृत रूप से। इससे पहले आपको बता दें कि हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की बेसिक चीज़ें, जैसे कि इसका अर्थ क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसका यूज़ क्या होता है, इसका क्षेत्र क्या होता है, इसकी उत्पत्ति कैसी हुई थी। इन सारे टॉपिक्स पर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम उपागम के बारे में विस्तृत जानकारी करेंगे। एक हल्का सा रिकैप दे दूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में मैंने आपको बताया था कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी हिंदी में बात करेंगे, ओके। शैक्षिक तकनीकी दो से मिलकर बना है, शिक्षा प्लस तकनीकी, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी का इस्तेमाल शैक्षिक तकनीकी कहलाता है। थोड़ा सा और इसको मॉडिफाई करें तो शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकों का इस्तेमाल करके शिक्षण के उद्देश्य प्राप्त करने की क्रिया शैक्षिक तकनीकी कहलाती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड द बेस्ट वन इज कि शिक्षा के क्षेत्र में वैज्ञानिक ज्ञान और वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग कर शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्रिया क्या कहलाती है, शैक्षिक तकनीकी कराती है। आसान शब्दों में समझ जाइए कि शैक्षिक तकनीकी क्या होती है, फिर हम चलते हैं उपागम के बारे में। तो शैक्षिक तकनीकी, जैसा कि आप देख सकते हैं कि आजकल स्कूल्स में एजुकेशन को कैसे टेक्नोलॉजी उसमें ऐड कर दिया, कैसे उसको मॉडलाइज कर दिया गया, नए नए तकनीकों का यूज़ किया जा रहा है, चाहे वो डिजिटल क्लास के बारे में हो, चाहे वो प्रोजेक्टर से पढ़ाई हो, आप खुद मोबाइल से पढ़ रहे हैं तो ये भी एक पार्ट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी है, बच्चे ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, शिक्षा के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का यूज़ है, तो इसी को शैक्षिक तकनीकी कहते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं अप्रोचेस के बारे में। तो इसके तीन अप्रोचेस यहाँ पर बताए गए हैं, मुख्यतः तीन अप्रोचेस होते हैं। वो अप्रोच क्या क्या भाई, पहला अप्रोच होता है हार्डवेयर अप्रोच, दूसरा सॉफ्टवेयर अप्रोच, तीसरा सिस्टम अप्रोच, यानी कि कठोर शिल्प उपागम, मृदुल शिल्प उपागम और प्रणाली उपागम, ठीक है। तो पहले चलिए देखते हैं वन बाय वन करके उपागम के बारे में थोड़ा सा जानिए। उपागम कहते किसको है, उपागम अध्ययन का वह तरीका या दृष्टिकोण है, इट इज अ वे ऑफ लर्निंग, इट इज अ वे ऑफ टीचिंग। तो क्या उपागम अध्ययन का वह तरीका या दृष्टिकोण है जिसके आधार पर किसी विशेष सामाजिक तत्व की विवेचना की जाती है। मतलब उपागम क्या है, एक तरीका है, एक दृष्टिकोण है जिसके आधार पर आप किसी चीज़ को डिस्कस कर सकते हैं, किसी चीज़ को पढ़ा सकते हैं, किसी सामाजिक तथ्य की विवेचना कर सकते हैं, ओके दोस्तों। तो ये रहा उपागम। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, इसके टाइप्स, कठोर शिल्प उपागम, मृदुल शिल्प उपागम और प्रणाली उपागम। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, बीएड के एग्ज़ाम्स में अगर ये आपका सब्जेक्ट है तो याद रख लीजिए, इससे एक क्वेश्चन आना ही आना है, ओके दोस्तों। तो कठोर शिल्प उपागम, शैक्षिक तकनीकी को आपने क्या जाना कि शिक्षा के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का यूज़, तो टेक्नोलॉजी भी कई तरीके से हैं, वैज्ञानिक जो चीज़ें हैं वो भी कई तरीके से हैं। हार्डवेयर का मतलब होता है कि ऐसे गैजेट्स, ऐसी मशीनें, ऐसी उपकरण जो वैज्ञानिक आधार पे बनी हो, जो इंजीनियर के द्वारा बनी हो और वो हार्डवेयर पार्ट्स में आप उसे छू सकते हैं, ऐसे उपकरणों का, ऐसे मशीनों का प्रयोग कठोर शिल्प उपागम कहलाता है, हार्डवेयर अप्रोचेस कहलाते हैं। हार्डवेयर का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर की भाषा में बात करें तो कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर्स, ये सारे हार्डवेयर्स के पार्ट्स होते हैं, जबकि उसके अंदर की चीज़ें सॉफ्टवेयर्स की पार्ट होती हैं। सिमिलरली एजुकेशन के क्षेत्र में अगर आप एजुकेशन में कोई टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, किसी मशीन को यूज़ कर रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट्स को यूज़ कर रहे हैं जिसे हम छू सकें, जो हार्डवेयर पार्ट्स में हो, तो उस चीज़ों को यूज़ करके शिक्षा में टेक्नोलॉजी लाना वो हार्डवेयर अप्रोचेस होगा, कठोर उपागम होगा। इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे लिखा है, ध्यान से देखिए, शैक्षण में अभियंत्रण की मशीनों के प्रयोग, अभियंत्रण मतलब इंजीनियरिंग, शिक्षण में अभियंत्रण की मशीनों के प्रयोग को प्रथम कठोर शिल्प उपागम कहते हैं, प्रथम शिल्प उपागम भी कह सकते हैं या फिर कठोर शिल्प उपागम कहते हैं, ओके। कठोर शिल्प उपागम का जन्म ऑब्वियस सी बात है कहाँ से हुआ, इसका जन्म कहाँ से हुआ, भौतिकी विज्ञान से हुआ और इंजीनियरिंग से हुआ, समझ आ रही बात, कठोर शिल्प उपागम का जन्म भौतिकी विज्ञान और इंजीनियरिंग से हुआ। इसके अलावा कठोर शिल्प उपागम में मैंने आपको बताया कि मशीनों का प्रयोग, इसीलिए कठोर शिल्प उपागम को मशीन प्रणाली के रूप से भी जाना जाता है, और इसके अलावा इसको दृश्य श्रव्य सामग्री भी कहते हैं, दृश्य श्रव्य सामग्री या मशीन प्रणाली। दृश्य श्रव्य सामग्री क्या होता है, दृश्य से अर्थात हम किसी चीज़ों को देख सकें, तो जब आप प्रोजेक्टर्स का यूज़ करते हैं, मॉनिटर का यूज़ करते हैं, कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, मोबाइल का यूज़ करते हैं, तो बच्चे उसको देख के सीखते हैं,
बच्चे उसे देख के पढ़ते हैं, तो ये दृश्य सामग्री भी है और बच्चे उससे सुनते भी हैं। आप मोबाइल पे सुन के पढ़ रहे हैं तो ये श्रव्य सामग्री है। दृश्य का अर्थात देखना और श्रव्य का अर्थात सुनना। तो कठोर शिल्प उपागम को हम क्या कहते हैं भाई, दृश्य श्रव्य सामग्री या मशीन प्रणाली के रूप से भी जाना जाता है। ओके, इसे शैक्षिक तकनीकी प्रथम कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, शैक्षिक तकनीकी प्रथम कहा जाता है। अब ज़रा सोचिए कि किसी एजुकेशन सिस्टम में अगर हम टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसका फ़ायदा क्या है। अगर आप इस मोबाइल से किसी चीज़ों को देख के पढ़ रहे हैं तो इसका क्या फ़ायदा है, क्या आप नहीं कह सकते हैं कि इसे हम सेव कर सकते हैं। बच्चे ऑनलाइन क्लास में पढ़ रहे हैं, उन्हें कोई वीडियो भेजा गया तो वो सेव कर सकते हैं, उसे जब चाहे बाद में भी देख सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं, उसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एक साथ किसी और को भी देख सकते हैं, किसी और को भी स्थानांतरित कर सकते हैं। तीसरा एडवांटेज इसका क्या हो सकता है कि इसे आप बड़े विस्तार भी कर सकते हैं, इसी वीडियो को कई लोग देख सकते हैं एक साथ। हम अकेले पढ़ा रहे हैं लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करके एक साथ कई लोगों को पढ़ा सकते हैं, विस्तार से पढ़ा सकते हैं। तो ये किसकी देन है, ये सब कठोर शिल्प उपागम की देन है, हार्डवेयर अप्रोच की देन है। उसी चीज़ को यहाँ पे लिखा गया, इस तकनीकी द्वारा ज्ञान को संचित करने मतलब प्रिजर्वेशंस दूसरों पीढ़ी तक पहुँचाना या संप्रेषित करना, ट्रांसमिशंस और ज्ञान का विस्तार करना संभव हो सका। देखिए टेक्नोलॉजी जब हमने हार्डवेयर चीज़ें यूज़ करी कठोर शिल्प उपागम में तो क्या हो गया, इसे हम प्रिजर्व कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं और एडवांसमेंट कर सकते हैं, हम इसे विस्तार कर सकते हैं। ये किसके द्वारा संभव हो चुका, हार्डवेयर अप्रोच के बारे, हार्डवेयर अप्रोच से संभव हो सका ये सारी चीज़ें। अच्छा चलिए, इतना समझने के बाद आप खुद से एग्जांपल दे सकते हैं कि वो बताइए कि वो कौन सी चीज़ें आज के एजुकेशन में टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही हैं जो हार्डवेयर डिपार्टमेंट में हो, जो हार्डवेयर पार्ट्स यूज़ करते हो, जैसे कि मोबाइल, ऑब्वियस सी बात है, अपना जनरल एग्जांपल दीजिए, मोबाइल, टेलीविजन, रेडियो, कंप्यूटर, टेप रिकॉर्डर्स, चलचित्र। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द हार्डवेयर अप्रोचेस, कठोर शिल्प उपागम। देखिए कठोर से, ओके, अगर एक नंबर में पूछते कि कठोर शिल्प उपागम से आप क्या तात्पर्य है, तो आप क्या लिख सकते हैं, कठोर शिल्प उपागम से तात्पर्य है शिक्षा में प्रयुक्त होने वाले तकनीकी उपकरण, डेफिनेटली टेक्निकल उपकरण, टेक्निकल मशीन से है, जिनके माध्यम से शिक्षण प्रक्रिया को सरल, रुचिकर, प्रभावशाली बनाया जाता है और शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है। सिंपल सी बात है, आप समझ जाइए, रटने वाली बात नहीं, समझ जाइए कठोर शिल्प उपागम का मतलब क्या होता है कि शिक्षा के क्षेत्र में टेक्निकल उपकरण, टेक्निकल तकनीकी उपकरण का इस्तेमाल करके शिक्षण प्रक्रिया को आसान, सरल, रुचिकर और प्रभावशाली बनाया जाए ताकि शिक्षा के उद्देश्य प्राप्त किए जा सके। सिंपल सी बात है, तो कठोर शिल्प उपागम से तात्पर्य है शिक्षा में प्रयुक्त होने वाले तकनीकी उपकरणों से है जिनके माध्यम से शिक्षण प्रक्रिया सरल, रुचिपूर्ण एवं प्रभावशाली बनाया जाता है और शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है। सिंपल सा, ठीक है। अब आइए एग्जाम्पल्स, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बता रखा है, इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है। तीन पार्ट्स में आप जैसे कुछ गैजेट्स ऐसे होते हैं जो बस दिखाई देते हैं, मतलब अगर आप किसी को चार्ट से पढ़ा रहे हैं तो चार्ट में कोई आवाज़ तो नहीं आ रही, इसके अलावा अगर आप प्रोजेक्ट स्लाइड से पढ़ा रहे हैं, स्लाइड करा के, तो उसमें भी कोई आवाज़ नहीं आती है। तो इसी बिहाब पे इसे तीन प्रकार से डिवाइड किया गया है, तीन भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा, श्रव्य साधन, दूसरा दृश्य साधन, तीसरा श्रव्य दृश्य साधन। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए वो साधन जो केवल दिखाई देते हैं उसे हम श्रव्य साधन कहते हैं, या वो साधन जो केवल सुनाई देते हैं, सॉरी, जो वो साधन जिसे जो केवल दिखाई देते हैं वो दृश्य साधन, वो साधन जो केवल सुनाई देते हैं श्रव्य साधन, और वो साधन जो दिखाई भी देते हैं और सुनाई भी देते हैं तो श्रव्य दृश्य साधन कहते हैं, ठीक है। तो श्रव्य साधन से क्या होता है, हमारी श्रव्य इंद्रियाँ विकसित होती हैं, श्रव्य इंद्रियाँ प्रभावित होती हैं। दृश्य से क्या होता है, दृश्य इंद्रियाँ प्रभावित होती हैं, और श्रव्य दृश्य क्या होता है, दोनों इंद्रियाँ प्रभावित होती हैं। तो इन्हीं चीज़ को यहाँ पे मेंशन किया गया। पहला श्रव्य साधन, वह साधन जो हमारी श्रवण इंद्रियाँ जो हम सुन सकें को प्रभावित करती हैं, जैसे रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ठीक है। तो ये गैजेट्स श्रवण साधन में हो गए। दृश्य साधन, वो साधन जिस जो हमारी दृश्य इंद्रियों को प्रभावित करती हैं, जैसे चार्ट, मैप, मॉडल, स्लाइड, प्रोजेक्ट, तो ये दृश्य साधन। और श्रव्य दृश्य साधन, वो साधन जो श्रवण इंद्रिया और दृश्य इंद्रिया तीनों को क्या, दोनों को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं, जैसे कंप्यूटर, टीवी, मोबाइल। तो इन सी भी यहाँ पे तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। आई होप कि आपको हार्डवेयर समझ में आ गया होगा। चलिए बात करते हैं सॉफ्टवेयर्स के बारे में।
ओके तो अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर अप्रोच में। हार्डवेयर अप्रोच में हमने मशीन और तकनीकों का इस्तेमाल किया था, लेकिन यहाँ पे सॉफ्टवेयर अप्रोच में मृदुल शिल्प उपागम में हमें मशीन और तकनीकों का यूज़ नहीं करना है, हमें किसका करना है, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का यूज़ करना है। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत से मतलब क्या होता है, देखिए कुछ मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हुए, जैसे कुछ अधिगम के सिद्धांत हुए, जैसे प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, पावलोव का सिद्धांत, थॉर्नडाइक का सिद्धांत। तो ये सिद्धांत हमें बताया गया है कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जा सकता है। जैसे कि प्रयास एवं त्रुटि मतलब क्या होता है कि थॉर्नडाइक ने कहा था कि बच्चों को गलती करने दीजिए, ठीक है, वो गलती करते एक बार सही क्रिया कर पाएंगे और फिर वो बच्चे सीख जाएंगे। तो इस प्रकार से जो अधिगम के सिद्धांत हैं, जो मनोविज्ञान सिद्धांत हैं, जो सामाजिक विज्ञान के सिद्धांत हैं, उनका इस्तेमाल करके हमें मृदुल शिल्प उपागम में बच्चों को पढ़ाना है। कठोर में क्या था, हमें गैजेट्स को यूज़ करना था, और यहाँ हमें जैसे कि मोटिवेशन भी क्या है, मोटिवेशंस को आप छू सकते हैं नहीं छू सकते हैं, देख सकते हैं नहीं देख सकते हैं, लेकिन हाँ मृदुल शिल्प उपागम में हमें बच्चों को मोटिवेट्स करके पढ़ाना है, बच्चों को विजिट्स करा के, टूर्स करा के, डिबेट करा के, उनको विवेचना करा के। तो इन चीज़ों का जब हम इस्तेमाल करके बच्चों को शिक्षा देते हैं, और ये भी एक प्रकार का क्या है, विज्ञान है, ये भी एक वैज्ञानिक प्रयोग ही है, तकनीकी प्रयोग है। तो जब मनोवैज्ञानिक और अधिगम के मनोविज्ञान और अधिगम के सिद्धांत को यूज़ करके हम बच्चों को पढ़ाते हैं, वो चीज़ें आती हैं मृदुल शिल्प उपागम के अंदर। आइए इसको देख लेते हैं एक बार। मृदुल शिल्प उपागम विज्ञान व तकनीकी पर आधारित नहीं होता, विज्ञान और तकनीकी पर आधारित नहीं होता, यह सामाजिक विज्ञान, मनोविज्ञान और विशेष करके अधिगम के मनोविज्ञान पर आधारित होता है। अधिगम का मतलब लर्निंग, ठीक है, साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग, ये इस पर डिपेंड करता है। मशीन और तकनीकी तो वो हार्डवेयर के पार्ट हो गए। सॉफ्टवेयर्स अप्रोच में क्या होता है, हमें अधिगम का सिद्धांत, हमें मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, हमें सामाजिक विज्ञान का सिद्धांत, हमें ये यूज़ करके बच्चों को पढ़ाना होता है, ठीक है। और हमारी पुरानी जो शिक्षण पद्धति थी वो इसी पे आधारित थी, जब हम ज़्यादा गैजेट्स और ज़्यादा टेक्नोलॉजी की यूज़ नहीं करते थे तो हम सॉफ्टवेयर अप्रोच का ही ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, मृदुल शिल्प उपागम का ही ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। तो ठीक है, हमने क्या देखा कि मृदुल शिल्प उपागम विज्ञान व तकनीकी पर आधारित ना होके सामाजिक विज्ञान, मनोविज्ञान और विशेष करके अधिगम के मनोविज्ञान पर आधारित होता है, ठीक है। और मृदुल शिल्प उपागम शिक्षण तथा अधिगम के मनोविज्ञान के सिद्धांत, कठोर में क्या करना था, हमें भौतिक विज्ञान, और यहाँ पे हमें शिल्प उपागम में शिक्षण तथा अधिगम के मनोविज्ञान सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। ओके, अब आइए मृदुल शिल्प उपागम के अंतर्गत इनपुट मतलब अदा, देखिए इनपुट प्रोसेस और आउटपुट, अदा प्रक्रिया और प्रदान, आदान प्रदान समझते हैं, आदान का मतलब इनपुट, प्रदान का मतलब आउटपुट, तो वही बात होगी, अदा मतलब इनपुट, प्रक्रिया मतलब प्रोसेस, और प्रदान से लिया गया आउटपुट, तीनों पक्षों को विकसित करने का प्रयास किया जाता है। इसका मतलब क्या होता है समझ जाइए, हम बच्चों को मोटिवेट्स करते हैं, हम बच्चों को इंस्पायर करते हैं, ये हमारा इनपुट हो गया, ठीक है। प्रोसेस क्या हुआ, बच्चे इसको समझें, बच्चे उसे अपने जीवन में उसे रिलेट करें, ये हमारा प्रोसेस हो गया, और फिर उस मोटिवेशंस को अपने लाइफ में यूज़ करें, उससे आगे बढ़ें, दैट इज़ कॉल्ड आउटपुट, ये प्रदान हो गया। तो मृदुल शिल्प उपागम में तीनों पक्ष का विकसित करता है, तीनों पक्ष का विकास करता है, कौन कौन सा, इनपुट मतलब अदा, प्रोसेस मतलब प्रक्रिया, और प्रदान मतलब आउटपुट, तो तीनों पक्ष का क्या करता है, विकास करता है। ओके, इसको अन्य किन नामों से जाना जाता है, इसमें देखिए एक चीज़ आपने नोटिस किया, इसमें हमने कोई गैजेट्स नहीं दिखाए, इसमें हमने कोई चार्ट नहीं दिखाया, इसमें हमने कोई डिवाइस या वीडियोस नहीं दिखाए, इसमें हमने मोटिवेट्स करके अपने अधिगम के सिद्धांतों का प्रयोग करके उन्हें पढ़ाया, तो क्या हम इसे इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी कह सकते हैं, क्योंकि हम बच्चों को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, हम उन्हें अनुदेशन दे रहे हैं, ठीक है, तो हम इसे इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी कह सकते हैं, ऑब्वियसली कह सकते हैं। तो पहला, इसको किन नामों से जाना जाता है, तो पहले तो इसको शैक्षिक तकनीकी द्वितीय जाना जाता है, कठोर को प्रथम और सॉफ्टवेयर को, मृदुल को द्वितीय जाना जाता है। इसके अलावा इसको इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, सनकनीक या फिर अनुदेशन भी कह सकते हैं, इसको अनुदेशन तकनीकी भी कहते हैं और इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। इसके अलावा शिक्षण तकनीकी द्वितीय कहते हैं, और व्यवहारिक तकनीकी, अच्छा उसमें ज्ञानात्मक पक्ष का विकास होता था, और इसमें व्यवहारिक, तो इसको हम बिहेवियर, जब हम बच्चों को मोटिवेट करेंगे तो उसका बिहेवियर चेंज होगा, तो इसमें इसको हम बिहेवियरल टेक्नोलॉजी भी कहते हैं, व्यवहार तकनीकी भी कहते हैं, ठीक है, तो ये इसके अन्य नाम हो गए। ओके दोस्तों, इसके एग्जाम्पल्स देख लीजिए, एग्जाम्पल्स में आप प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, पावलोव का सिद्धांत, शिक्षण सिद्धांत, रणनीति, डिबेट, तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं, सॉफ्टवेयर अप्रोच के अंदर आती है। बातें क्लियर करने के लिए ना इन दोनों को कंपैरिजन कर लेते हैं, इन दोनों का अंतर देख लेते हैं, अंतर देखते ही दोनों चीज़ें समझ में आ जाएंगी। एक चीज़ तो आपने जाना कि कठोर शिल्प उपागम में मशीन तकनीकी का इस्तेमाल होता है, और इसमें क्या होता है,
मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का हो, तो वही चीज़ है। देखिए शिक्षण में अभियंत्रण की मशीनों का प्रयोग कठोर शिल्प उपागम होता है, जबकि मृदुल शिल्प उपागम शिक्षण तथा अधिगम के मनोविज्ञान का यूज़ होता है। समझ में आ गई बात? तो इसमें मशीन का होना है, इसमें मनोविज्ञान का इस्तेमाल होना है। कठोर शिल्प उपागम को तकनीकी प्रथम कहते हैं, मृदुल को तकनीकी सेकंड कहते हैं। ओके, कठोर शिल्प उपागम को प्रथम और इसको द्वितीय कहते हैं। कठोर शिल्प उपागम में मशीन, कठोर शिल्प उपागम को किसको मशीन उपागम के नाम से जाना जाता है, जबकि इसको अनुदेशन, मैंने कहा था इंस्ट्रक्शनल, तो इसको अनुदेशन के नाम से जाना जाता है। कठोर शिल्प उपागम का मुख्य आधार क्या है भाई? इंजीनियरिंग, भौतिकी, और इसका क्या है? मनोविज्ञान। समझ आ गई बात? ओके, कठोर शिल्प उपागम को का अविवार्य मतलब इसका जन्म कहाँ से हुआ? भौतिकी और अभियंत्रिकी से। इसका इसका मनोवैज्ञानिक सिद्धांत और खासतौर पर अधिगम के सिद्धांत से इसका जन्म हुआ। कठोर शिल्प उपागम के बारे में, कठोर शिल्प उपागम को दृश्य श्रव्य सामग्री पर आधारित होता है। दृश्य श्रव्य सामग्री का मतलब देखना सुनना, इस पर आधारित होता है, जबकि इसका व्यवहार पर आधारित होता है। व्यवहार पर आप यहाँ पर चाहें तो व्यवहार तकनीकी के आधारित होता है। इसके अलावा ये भी लिख सकते हैं कि अदा प्रक्रिया और प्रदा पे आधारित होता है, ये भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और कठोर शिल्प उपागम को पूर्णतः मृदुल, ओके यहाँ पे देखिए, कठोर शिल्प उपागम आप किसी बच्चे को गैजेट से, मान लीजिए कोई वीडियो दिखा के पढ़ा रहे हैं, तो क्या उसे बिना समझाए पढ़ा सकते हैं? नहीं पढ़ा सकते हैं। इसी चीज़ को यहाँ पे अंकित किया गया है कि कठोर शिल्प उपागम की पूर्णता के लिए मृदुल शिल्प उपागम होना आवश्यक है। आप कैसे पूर्ण होगा? जब आप बच्चों को उसमें समझाएंगे, उसको बताएंगे, यानी कि कठोर शिल्प उपागम में मृदुल शिल्प उपागम का भी यूज़ होता है। हार्डवेयर अप्रोच में सॉफ्टवेयर अप्रोच का भी यूज़ होता है, तो लेकिन सॉफ्टवेयर अप्रोच में ज़रूरी नहीं कि आपको हार्डवेयर अप्रोच यूज़ करना पड़े। तो सॉफ्टवेयर अप्रोच बिना हार्डवेयर अप्रोच के भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे पुराने ज़मानों में, वैदिक काल में कैसे, वो हमेशा सॉफ्टवेयर अप्रोच पर ही फोकस करते थे। ठीक है, ओके दोस्तों, तो ये था इन दोनों में अंतर। अंतर में आप और भी पॉइंट्स लिख सकते हैं, लेकिन इतना भी काफ़ी है। तो देखिए, इस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं उपागम, हार्डवेयर अप्रोच और सॉफ्टवेयर अप्रोच, कठोर शिल्प उपागम और मृदुल शिल्प उपागम के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, इन दोनों का अंतर देख लिए। तीसरा पॉइंट, ओ माय गॉड, डॉग्स आर बार्किंग सो सेट। ओके, जो तीसरा पॉइंट रह गया, सिस्टमेटिक अप्रोच, यानी कि पद्धति उपागम। देखिए, पद्धति उपागम को दूसरे वीडियो में देखा जाएगा। एक्चुअली अगर वीडियो लंबी हो जाती है तो फिर वो अपलोड करने में प्रॉब्लम होगी। ओके, और थोड़ा सा रात हो गया, तो नेक्स्ट वीडियो में उसको देखेंगे। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी, देखिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। देखिए, ये मेरा कोशिश था कि मैं आपको इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ, ताकि बातें, चीज़ें समझ में आ जाए। और जब आप एक चीज़ें समझ आ जाएगी, तो फिर आप जब सीरीज से पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगी। सो इसीलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर थोड़ा बहुत भी अगर आपको बात समझ में आया हो, तो इसके बाद से आपको क्या करना है, इसके बाद से आप अपनी सीरीज उठाइए, अगर आपके पास बुक है तो बुक उठाइए और वहाँ से मिलाइए और वहाँ से देखिए एक बार, और आप इसको कन्फर्म कर लीजिए। और अगर चाहें तो आप स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना के इसको याद कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो तीसरा जो पॉइंट्स है, सिस्टमैटिक अप्रोच, प्रणाली उपागम, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें कमोबेश रह गई हो, वो भी फीडबैक आप दीजिएगा, उसको ज़रूर इंप्रूव किया जाएगा। ओके, बाकी मुझे खुशी होगी अगर आप वीडियो को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में थर्ड पॉइंट के साथ, सिस्टमैटिक अप्रोच, पद्धति उपागम के साथ। बाकी ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, ज़रूर पढ़ लीजिएगा आप लोग। बाय बाय, तब तक अपना खूब ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।